मेरी बहुत तमन्ना थी होटल खोलने की, मेरा ट्रांसफर का बिजनेस था पहले। चिकन काली मिर्च है, इसमें सभी ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, ड्राई फ्रूट की ग्रेवी होती है इसमें, ये चिकन कौरमा मुगलाई आइटम होता है, ये चिकन स्ट्यू है, ये खड़े मसाले में बनता है। देहरादून में मुगलई खानों की बात की जाएगी तो दून दरबार का नाम सबसे ऊपर आएगा। ऐसा ही एक सपना हाजी सुभान ने देखा और 2011 में अपना पहला मुगलई रेस्टोरेंट इनामिला बिल्डिंग पर खोला और नाम दिया दून दरबार। अब तक 5 आउटलेट देहरादून में हर कोने में खोल चुके हैं और आज 5वें की ओपनिंग में मैं आपको ले जाऊंगी जहां पर मुझे उन्होंने दावत दी। गुब्बारे से सजे गेट के पास दून दरबार की पूरी टीम मौजूद थी। हाजी सुभान ने बताया कि उनके बड़े भाई हाजी गुलफाम और जिनके लिए ये रेस्टोरेंट बनवाया है उनके सबसे छोटे साहबजादे एहसान कुरैशी हैं। एहसान कुरैशी ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए हमें बताया, एहसान कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्राउड भी बहुत काफी है। हाँ जी हाँ जी, काफी है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल मैडम बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, जो स्टैंडर्ड का लुक चाहिए बिल्कुल वो देंगे हम कस्टमर को, बैठने का सीटिंग बहुत अच्छा देंगे। जैसे ही अंदर दाखिल हुई सीधे हाथ पे बिलिंग काउंटर नजर आया जिसे गुब्बारों से पूरी तरह से ढका हुआ था। बड़े से हॉल की साफ दीवारें और दो रंग के चमकते हुए गुब्बारे और दूसरी तरफ चांदी सी चमकती हुई नई क्रॉकरी। चिकन बिरयानी है, दून दरबार की स्पेशल बिरयानी। चिकन काली मिर्च है, इसमें सभी ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, ड्राई फ्रूट की ग्रेवी होती है इसमें, ये चिकन कौरमा मुगलाई आइटम होता है, ये चिकन स्ट्यू है, ये खड़े मसाले में बनता है, ये चंगेजी हमारे यहाँ का बहुत स्पेशल आइटम है जी। हाँ, बहुत फेमस आइटम है, स्पेशल चिकन चंगेजी बहुत फेमस आइटम है। ये हमारा बटर चिकन है, बटर चिकन। ये हमारा स्पेशल कढ़ाई चिकन है। अच्छा, ये कढ़ाई चिकन जी, बहुत लजीज आइटम है। ये हमारा मटन कौरमा है, मटन कौरमा जी, चिकन मटन दोनों आइटम। ऑथेंटिसिटी होती है, वो ऑथेंटिसिटी फ्लेवर जो फ्लेवर्स आते हैं वो मतलब सटल फ्लेवर्स भी हैं और आपको एक्चुअल टेस्ट पता चलेगा। मतलब ये नहीं है कि ओवरलोडेड फ्लेवर्स हैं आपको पता नहीं चल रहा है या क्या खा रहे हो, सब कुछ एक जैसा लग रहा है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के अपने एक सटल फ्लेवर है, खड़े मसालों का भी अलग सटल फ्लेवर है, तो वो धीरे धीरे पता चलता है, बैलेंस है सब कुछ। और रेगुलरली मैं ऑल ब्रांचेज में विजिट करता रहता हूँ, तो आज ओपनिंग पे अहमद भाई ने इनवाइट किया था, तो दैट्स व्हाई आई जस्ट टेक दैट कॉल टू हिम कि यू प्लीज ऑर्डर बाय योर चॉइस। सो आई एम जस्ट हैविंग दिस फैंटास्टिक मटन कौरमा एंड दैट चिकन तंदूरी, बोथ आइटम्स आर ऑसम एंड देयर इज द नेवर आई फाउंड एनी मीन्स डाउट ऑन दैट दून दरबार फूड, सो इट इज फैंटास्टिक एज लाइक ऑलवेज। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था किसी ज़माने में, तो गाड़ी वाड़ी थी मेरे पास, तो मैं बहुत तमन्ना थी होटल खोलने की, मेरी तमन्ना थी मेरी होटल खोलने की, तो फिर मैंने होटल खोला मैम 2011 में, गांधी रोड में एक ब्रांच बनाई मैंने इनामुल्ला बिल्डिंग के अंदर, फिर मैंने दूसरा होटल बनाया आगे मस्जिद के सामने दून दरबार, फिर मैंने राजपुर में बनाया होटल एक और जू के पास जी मैम, फिर मैंने होटल बनाया विधानसभा के पास जी, ये पांचवा होटल ये मैम यहाँ जी 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 मैम जी, इसी मैम इसी लाइन में सबको डाला मैम मैंने, जितने मेरे बच्चे हैं जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू, हम पापा का बहुत बड़ा शुक्रिया करते हैं। अगर आप वाकई में मुगलई खानों के बहुत बड़े शौकीन हैं तो आपको दून दरबार ज़रूर विजिट करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपको 200 से ज़्यादा चिकन की वैरायटीज मिल जाएंगी और यहाँ पर आने का जो बेस्ट टाइमिंग है वो सुबह 11 बजे से रात के 12 बजे तक है। बाहर शेफ अपने चिकन को फ्राई करने में बिजी थे और वहीं दूसरी तरफ रेस्टोरेंट के बाहर मेहमानों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। ये रेस्टोरेंट देहरादून के प्रेमनगर एरिया में खुला है जो कि FRI से काफ़ी करीब है। अगर आपका कभी भी FRI जाने का प्रोग्राम हो तो यहाँ पर आप लंच ही या डिनर
कर सकते हैं। अगर आप इनका मसूरी वाला आउटलेट भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। दून दरबार का रेस्टोरेंट मैनेजर एंड आज ओपनिंग हुई यहाँ पे तो बहुत अच्छा रहा ओपनिंग हमारा एंड बहुत अच्छा गेस्ट मोमेंट हुआ और गेस्ट ने कहा कि खाना अच्छा है, जो बिल्डिंग का टेस्ट है मुल्ला बिल्डिंग का पुराना वही यहाँ पे भी है। और स्टार्टेड कमिंग ईयर इन 2011 तो 2011 से मैं रेगुलरली आ रहा हूँ, जब से वहाँ पे आउटलेट था। अब यहाँ पे खुल गया तो इजी एक्सेस हो गया है बहुत ज़्यादा, तो मैं देहरादून में अभी नहीं रहता हूँ लेकिन जितनी बार आता हूँ उतनी बार यहाँ ज़रूर आता हूँ। बाहर से आज आने वालों के लिए आई वुड रेकमेंड, अगर कोई चंगेजी चिकन लवर है या अफगानी चिकन लवर है दे शुड डेफिनेटली कम एंड ट्राई। मेहमानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी, खाने की खुशबू सूंघते सूंघते अब मुझसे रह पाना मुश्किल था, तो मैंने भी अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने वहाँ पर चिकन टिक्का, बिरयानी, काली मिर्च चिकन और दून दरबार की स्पेशल चिकन चंगेजी का ऑर्डर किया। बिरयानी ज़बरदस्त, दाना एक एक खिलावा, बटर नान के साथ काली मिर्च चिकन ज़बरदस्त, मुंह में क्रीमी टेक्सचर। और उसके बाद बारी आई वहाँ की स्पेशल चिकन चंगेजी की। चिकन की बोटी इतनी नरम, उंगली लगाते ही बीच में से दो हो गई और जैसे ही जबान ने टेस्ट लिया तो मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकली, वाह भाई वाह। अगर आपने देहरादून में आके दून दरबार का चिकन चंगेजी नहीं खाया तो समझिए कि अभी आपका देहरादून का सफ़र अधूरा है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक Take care, goodbye.